हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीके सिन्हा। आज प्रॉफिट लॉस का डे सिक्स का कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने के साथ बनेगा, इसलिए आसानी से इसको बनाने का काम करेंगे, ठीक है? तो डे सिक्स प्रॉफिट लॉस। सबसे पहली बात, एमटीएस का जो भी एग्ज़ाम हुआ या चल रहा है, आप लोग मालूम करना कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। मीन्स मैं जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वही टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर? तो देखें, आज का आगे का क्वेश्चन कि डे सिक्स में प्रॉफिट लॉस से मैंने क्या रखा है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना हो बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो, ठीक है? सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस चैप्टर को आपने मेरे यहाँ कर लिया उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? ऑन सेलिंग अ रेडियो प्रॉफिट इज 2/7 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का 2/7 है। अच्छे से देखना, एक रेडियो बेचने पर लाभ इसके विक्रय मूल्य का 2/7 है। लाभ विक्रय मूल्य का 2/7, यानी जैसे कहे ना वैसे ही कर दो। तो कह क्या रहा है कि प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एसपी का 2/7 है। तो ये कहा, मैंने ये लिखा। अब इसके आगे एसपी मानेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, या प्रॉफिट मानते तो एसपी निकलेगा। तो एसपी हम लोग मानते हैं, एसपी क्या माना जाए? कुछ लोग एसपी को एक्स मानते हैं, कुछ एसपी को 100 मानते हैं, और सबसे अच्छा तरीका क्या है मानने का पता है? जो डिनोमिनेटर है ना, जो हर है, वही मान लो एसपी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर एसपी 7 मान लें, या हम लोग लिखें माना एसपी 7, तो क्या फ़ायदा हुआ? प्रॉफिट इक्वल टू 7 का 2/7 यानी 2। और देखो कितने आसानी से, एसपी 7 प्रॉफिट 2, तो एसपी क्या होगा? तो 7 में से आप 2 घटा दो, एसपी हो गया 5। क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो 2/ ये एसपी नहीं एसीपी है, 2/5 गुना 100। फिर से देख लो, एसपी 7 प्रॉफिट 2, एसपी से प्रॉफिट घटा दिया, सीपी मिल गया 5, प्रॉफिट परसेंट 2/5 गुना 100। तो आगे से ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे? तो जैसे ही लिखा प्रॉफिट किसका, एसपी का 2/7, तो हम लोग एसपी क्या माने? 7। प्रॉफिट हो गया कितना? 2। सीपी कितना हो गया? इससे ये घटा लिया 5। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो 2/5 गुना 100 है ना, एकदम देखने के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है? अगला देखें, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ एसपी के 1/3 का 3/5 है। यानी प्रॉफिट का एसपी के साथ रिलेशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट किसका, एसपी के 1/3 का 3/5 है, यही है। अब बताओ, 3 कैंसिल। अब एसपी अगर हम लोग मान लें 5, तो प्रॉफिट क्या हो गया? 1। तो सीपी क्या हो गया? तो 5 में से घटा दो 4। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो 1/4 गुना 100, 4 से कट गया 25%। है ना आसान और बहुत ही मज़ेदार? देखने के साथ ऐसे क्वेश्चंस में सेकेंडों में हम लोग जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, फटाक से वैसे ही काम किया, आंसर निकल गया। अगला देखते हैं, एक दुकानदार के पास 500 ग्राम के बजाय 400 का वजन था, 400 ग्राम का वजन था, 400 ग्राम।
A shopkeeper was weight of 400 in 400 gram instead of 500 gram. यानी आधा केजी वजन के जगह 400 ग्राम था, 100 ग्राम कम था. एंड सेल्स द आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस. और दूसरे को क्या बेवकूफ बना रहा है कि भाई मैं तो खरीद मूल्य पर बेच रहा हूं. समझ जाओ क्वेश्चन कि मेजरमेंट फॉल्स है. होना चाहिए था 500 है कितना 400, और कह रहा है कि हम सीपी पर कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, यानी उसका सेलिंग प्राइस 500 ग्राम का 500 होगा. अब देखें कैसे माना जाता है. तो जो दिखाएगा दर्शाएगा वो एसपी होता है. तो कह रहा है क्या कि हम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, तो एसपी लिया 500. और जो मेजरमेंट है ना बाट, जो बाट है मेजरमेंट है वो सीपी हो जाता है. तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 100. और क्वेश्चन कहे अगर प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो 100/400 × 100% यानी 25%. जो कहेगा उतना पैसा ले रहा है. करम दाम का दाम दे रहा है, तो आधा केजी का 500 का 500 दाम मान लिया. 400 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो सीपी 400 हो गया. प्रॉफिट 100 हुआ. प्रॉफिट परसेंट 100/400 × 100%. क्वेश्चन समझ में आ रहा है. आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अगला क्वेश्चन है ये. एक व्यापारी 1 किलो के बजाय 920 ग्राम वजन का उपयोग करता है. अब देखो ये भी पैसा कह रहा है कि 1 केजी का लेंगे और दे रहा है कितना 920, लेकिन वस्तु को लागत से 15% अधिक कीमत पर बेचता है. यानी ये जो बेचता है जो दिखाता है वो एसपी होगा. तो बताओ 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है. हम लोग मन में सोच लेते हैं कि यह 1000 रुपया हुआ. तो सीपी कितना हुआ, तो सीपी तो वो 920 ग्राम तो 920 रुपया. जितना बाट जितना मेजरमेंट यूज करेगा वही सीपी होगा. अब देखें एसपी क्या होगा. तो एसपी 15% अबव कॉस्ट प्राइस. तो ये तो वो दे रहा है कॉस्ट प्राइस, तो ये है ध्यान से समझना. इस पर नहीं, इस पर. यानी 1000 का 115/100 यानी 20 कैंसिल, 1150. अब देखें आपसे पैसा लिया 920 और सामान दे रहा है 1150 का, उल्टा हो गया कि सही है जी नहीं. आपको दे रहा है 920 का, इस लाइन को पढ़ना सीखिए. दे रहा है कितने का 920 का. पैसा कितना ले रहा है 1150. 1000 का तो 1000 नहीं, 1000 तो उसका कॉस्ट हुआ. चोरी करके 920 रुपया ये हो रहा है, और जो बेच रहा है वो 1150 है. अब बताओ तो प्रॉफिट कितना हुआ. तो 1150 में से 920 घटा दो कितना हुआ 0, 3. 11 में से 9 घट गया 2. प्रॉफिट 230. क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ. तो 230/920 × 100. इससे ये 4 बार में, 4 से ये 25 बार. एक केजी 1000 ग्राम, 1000 उसका ओरिजिनल कॉस्ट है. वो आपको दे रहा है 80 ग्राम कम, मतलब 920 ही उसका सीपी हुआ. लेकिन पैसा ले रहा है, कह के ले रहा है कि हम 15% ज्यादा लेंगे. तो 1000 से 115/100 यानी 1150 वो आपसे पैसा लेगा. समझ में आ रहा है ना. बेईमानी कितने तरह का होता है वो देखिए.
पहला वाला में बेईमानी क्या कहा था कि हम दाम का दाम देते हैं लेकिन फॉल्स मेजरमेंट यूज किया। यहां का क्या कह रहा है, हम दाम का दाम नहीं, हम चोर नहीं है, हम तो 15% प्रॉफिट लेंगे, तो ले लो भाई 1150। तो जो 1000 के गुड्स का जो उसका इस पर वो पैसा लिया 1150, असामान दिया 920, प्रॉफिट हो गया 230 प्रॉफिट परसेंट। थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ करके देखेंगे, समझेंगे, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी वस्तु को 482 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 318 में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। लाभ हानि के बराबर है, प्रॉफिट बराबर है किसके, लॉस के। जो कह रहा है उसकी भाषा को ध्यान से वैसे ही लिखते चलो। 482 में बेचने पर अर्जित लाभ 318 में बेचने पर हुए हानि, दोनों एसपी है, इतना में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट है और इतना में बेच रहा है तो लॉस है। अब देखो हम लोग प्रॉफिट क्या जानते हैं कि एसपी माइनस सीपी, और लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी नहीं मालूम, हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो 482 में बेचने पे तो 482 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 318। अब क्या होगा, 2x बराबर एक साइड आ गया 800, x बराबर 400, x क्या हुआ हमारा सीपी। आगे से इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान देना कि जब प्रॉफिट बराबर लॉस लिख रहा है तो हम लोग डायरेक्ट सीपी निकाल सकते हैं, और ये सीपी क्या होगा, पहला एसपी प्लस दूसरा एसपी डिवाइडेड बाय 2। तो पहला एसपी कितना था, 482 प्लस 318 डिवाइडेड बाय 2, जो मतलब पढ़ने के साथ जोड़ लो, 800 बटा 2 यानी 400। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पढ़ने के साथ 4 3 700 100 800 बटा 2 सीपी होगा 400। सेकेंड में यहाँ तक तो आप निकाल करके एकदम मास्टर बने रहो कि सर देखने के साथ हो गया। अब पूछ क्या रहा है, 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य, 30% लाभ मतलब 30% ज़्यादा, तो ये 400 है ही, 30% ज़्यादा मतलब गुना 130 बटा 100, 13 चौका 52, 520 रुपये आया। अगर कहता 30% हानि के लिए तो 70 बटा 100, 30% लाभ है 130 बटा 100। क्वेश्चन क्लियर। अगला देखते हैं, 515 में बेचने से अर्जित लाभ उसी को 475 में बेचने पे हुए हानि के बराबर है। हम लोग डायरेक्ट सीपी निकाल लें क्या, तो 54 ये 515 प्लस 475 बटा 2, 54 990 बटा 2, 4 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10, 495 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी पूछ रहा है। 40% लाभ यानी 495 गुना 140 बटा 100, 20 से ये 5 20 से ये 7, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 9 45, 7 9 63, 7 9 63 6 69, 693, 7 9 63 63 6 69। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग देखने के साथ सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो जब तक हम सीख रहे हैं तब तक थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो देखने के साथ कि 515 और 475 दोनों को जोड़ दिया 990 बटा 2, 495 और 495 इंटू 7 बटा 140% को आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे 495 गुना 140% को क्या पढ़ेंगे, 20 से 7 बटा 5 सीधा इतना पढ़ेंगे। और ये प्रैक्टिस करना है जब तक नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन,
832 में बेचकर अर्जित लाभ 448 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। तो 8 दोनों को जोड़ दो, 8 दो 10, 1 3 4 4 8, 8 4 12, 1280। फिर से जोड़ लो, 2 8 10, 1 3 4 4 8, 8 4 12। तो सीपी बराबर डायरेक्ट निकाल लेंगे 1280 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, 4 640। क्या कह रहा है, 50% लाभ कमाना है तो एसपी बताना है 50% लाभ। तो अगर लिखना चाहें तो 150 बटा 100 लिखो, चलो वही लिख रहे हैं अभी, लेकिन बाद में इस 150 कैलकुलेशन ये मन में कर लो, इंटू 3/2, 2 से ये 32, 300, 3 दुना 6, 3 तिहाई 9, 960, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मन लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है ये, सीधा लागत पूछ रहा है, जोड़ दो 5 5 10, 1 9 10 7 17, 5 5 10 1 9 10 7 17, 1 5 6 2 8, 870 सीपी पूछ रहा है। तो 870/2, 2 6 8, 435, ऑप्शन सी। अगला देखें, एक व्यक्ति ने एक टीवी 5600 रुपये में बेचा और कुछ लाभ प्राप्त किया। यदि उसने 4200 में बेच दिया होता तो जो हानि होता पिछले लाभ का 2/3 होता। तो हम लोग ऐसे लिख ले, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 5600 माइनस एक्स और लॉस एक्स माइनस 4200। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इसने इसे 4200 में बेच दिया तो हानि पिछले लाभ का, लाभ तो ये है इसका 2/3 के बराबर है। जो कह रहा है बस वैसे ही कर दो। अब 2 से गुना, यहाँ 2x तो इधर आया माइनस 2 0 0 0, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11 बराबर, ये 3 से गुना होगा 3x माइनस 3 2 6, 3 4 12, 2 0, ये 3 और 2 5x बराबर, इसमें से 11200 घटा दीजिए, 0 0 4 1 1400, 0 0 4 1, एक्स बराबर, तो 5 2 10, 4 0 5 8 40, कुछ गड़बड़ हो गया, 3 2 6 12, 2 5 10 1 11, 3 2 6, 3 4 12, 12600 और 11200 घटाया तो 1400, 5x बराबर, अच्छा ये इधर जाएगा तो ऐड होगा, हम लोगों ने घटा दिया, तो ध्यान से देखिए ये ऐड होगा, मैं भी कह रहा हूँ कि इतना कम कैसे हो जाएगा, तो 3 और ये इधर आया 5x बराबर, ऐड कर दो 12600 में 11200, 0 0 6 2 8 3 1 1 2, 23800। तो x बराबर क्या होगा, तो 23800 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 20, 5 7 35, 5 2 10, 5 4 20, 3 8, 5 7 35, 3 0, 5 6 30, 0 47 60, तो 47 60 ऑप्शन है, जी हाँ। फिर से देख लो, ये प्रॉफिट ये लॉस, तो लॉस जो है कह रहा है क्या कि हानि पिछले लाभ के 2/3 के बराबर है, तो लाभ का 2/3 कर दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, एक्स का मान कितना आ गया 4760, आप लोगों को आ गया होगा। अगला देखिए, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/6 पर बेचा जाए
विक्रय मूल्य क्या है नहीं मालूम। सीधा क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के 5/6 में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, और विक्रय मूल्य पर अगर बेचे तो विक्रय मूल्य का 5/6 पे बेच रहा है। मतलब एसपी अभी तरीका बताया, जब भी मानो ओरिजिनल एसपी लिख लें, क्या ओरिजिनल एसपी 6 तो बेच रहा है कितना में, तो 6 का 5/6 5, ये न्यू एसपी 6 के 5/6 में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। मतलब 5 में बेच रहा है तो 10% लाभ, मतलब 110%। इस लाइन को एक लाइन में समझो अच्छे से, कि 5 अगर है तो 10% लाभ यानी 110%, तो 6 है तो क्या होगा, तो 110/5 × 6 कितना आया 132%। 100 से जितना ज़्यादा वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 32% प्रॉफिट। अगला देखो, तीन वस्तुओं एबीसी पर लाभ परसेंट 10%, 20%, 25% है। तीन वस्तु है, कौन कौन वस्तु है, ए बी सी। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, पहले पे कितना 10, दूसरे पे 20, तीसरे पे 25। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस सीपी, सीपी कितना है, 1, 2, 4, ये रेशियो है। और रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड, कितना आर्टिकल यानी एक रुपये के दर से कितना आर्टिकल बेच रहा है, 2, तो ये सीपी हो जाएगा। ये एक रुपये के दर से 5 वस्तु बेच रहा है तो 5, एक रुपये के दर से 2 वस्तु बेच रहा है तो 2, यानी सीपी क्या हो जाएगा, ये 2, ये 5 × 10, ये 4 × 8। पहले तो वो रेशियो था, बाद में गुड्स का कि कितना कितना सामान, देखो इसमें से ये 2 है, ये 5 है और ये 2 है, तो 2 का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2 × 1, 5 का कॉस्ट क्या होगा, 5 × 2, और 4 का क्या हो, ये सॉरी 2 का क्या होगा, 2 × 4। टोटल कॉस्ट अगर पूछे तो 2 × 10 × 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, यानी तीन वस्तु पर लाभ परसेंट दिया हुआ है, लागत मूल्य का अनुपात भी है, एबीसी के द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात है, तो कुल लाभ, कुल लाभ कैसे निकलेगा, तो देखें 2 का ये 10% है, प्लस 10 का यहाँ 20% है, प्लस 8 का 25% है, और ये टोटल 10 × 12 2 + 10 + 8 यानी 20 का कितना परसेंट ओवरऑल का, तो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 2 का 10%, 2 का ये 10%, 10 का 20%, 8 का 25%, टोटल का कितना परसेंट, तो ये कितना हो गया 20 × 200 = 20x, 2 × 2 = 420 = 20x, 0 0 काट दें, 2 से 21 बार में x = 21% प्रॉफिट ओवरऑल होगा, तो ये 21% है, 21%। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है, पहले पे 10%, दूसरे पे 20%, तीसरे पे 25%। लागत मूल्य का अनुपात, ये मूल्य का है, ये कॉस्ट प्राइस का अनुपात है, का रेशियो क्या था, 1, 2, 4, क्वांटिटी से गुना कर दिए तो टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, तो 20 रुपया। अब कह रहा है 2 का 10% है, हम लोग परसेंट यानी 200 नहीं लिखे, 10 का 20% नहीं लिखे, 8 का 25% नहीं लिखे, तो 20 का कितना परसेंट, 21%। अगला देखें, ये भी क्वेश्चन मेंस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे।
क्या कह रहा है, अ मैन सोल्ड 3 बाइक्स ऑन 11,000, 10,500 और 6,500। तो पहला का कॉस्ट कितना,